सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राम राम, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। सो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ वो तो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिलहाल वीडियो की इन तक बने रहिएगा। सो हेलो गाइस, हम फाइनल मुकेश भाई के घर आ चुके हैं। मुकेश भाई से मिल भी लिए हैं और आइए आपको भी मिलाते हैं मुकेश भाई से। और हेलो दोस्तों, नमस्ते, और सबसे पहले भाई साहब आपको भी नमस्कार। और ये भैया हमसे मिल रहे हैं हमारे गांव से लगभग 25 किलोमीटर के आसपास है। हाँ, 25 किलोमीटर के आसपास। और भैया के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, उसके बाद आप सभी को अपने बारे में बताते हैं। आप देखिए, इन बात क्या है ना कि हो सकता है हमारी ऑडियंस आपके वीडियो को देखेंगी तो नहीं समझ पाएंगे आपके बारे में, और हम आपकी ऑडियंस हमको नहीं समझेंगी। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए, उसके बाद हम आप सभी को पूरा क्लियर बताएंगे। आपका क्या नाम भैया, बता दीजिए अपना। मेरा नाम है अजय। अच्छा, आप? मैं बांसी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आपने कभी स्टार्ट किया था यूट्यूब जर्नी वर्नी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। लगभग एक साल हो जा रहा। एक साल? इससे पहले मेरा दो यूट्यूब चैनल था। मैं 19 से ही मतलब यूट्यूब पे आया हूँ। अच्छा। मेरा दो अकाउंट पहले से ही डिलीट हो चुका है। अच्छा, और ये मेरा थर्ड चैनल है। ओ भाई साहब, अच्छा आपके चैनल पर जो ये रिसेंट टाइम चैनल यूज कर रहे हैं, इस पर ये नॉर्मल चल रहा है सही से या फिर कुछ दिक्कत हो करके बारे में? स्टार्टिंग में ये अच्छा खासा चल रहा था। अच्छा। भी अच्छे खासे आ रहे थे। बाद में फिर कुछ ऐसे वीडियोस थे जिस पे क्लेम भी आ चुका था। और पहले तो मेरा चैनल मोनेटाइज, क्लेम से तो कुछ खास दिक्कत नहीं होता है? नहीं, कोई खास दिक्कत नहीं था। मैं उसको रिमूव कर देता था। क्यों? रिक्वेस्ट करके, तो वो कॉपीराइट हट जाता था। लेकिन फिर बाद में कुछ दिक्कत आया कि मेरे वीडियो डिलीट करना पड़ा। अच्छा। तो फिर चैनल भी मोनेटाइज हो गया था, वो बाद में फिर डीमोनेटाइज हो गया। अभी फिलहाल एक हफ्ता हुआ है चैनल डीमोनेटाइज हो गया है। अरे भाई साहब, चैनल डीमोनेटाइज कहीं, देखिए कितना मेहनत से चैनल मोनेटाइज होता ही है तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन उसके बाद जब डीमोनेटाइज हो जाए तो भाई कितना बुरा लगेगा। अच्छा ये बताइए, आपका चैनल जब गरोवित चल रहा था, मतलब गरो के कगार पे था, तो किस हिसाब से व्यूज आते थे नॉर्मली? अच्छे आते, व्यूज आते थे लगभग 10,000 15,000 भी लॉन्ग पे भी आते थे। हाँ। और फिर शॉर्ट पे भी आते थे मिलियन में। अच्छा, वो भाई साहब चैनल मोनेटाइज था और व्यूज भी अच्छे खासे आ रहे थे, तो भैया का चैनल इस समय तो डीमोनेटाइज हो चुका है। खैर दोस्तों, आप लोगों ने भाई के बारे में जान लिया, अभी थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहते हैं। दोस्तों मेरा नाम है मुकेश सहनी और हम यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में गाँव में देहात में रहते हैं, और हमने 12th पास किया है। उसके बाद दोस्तों हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी खराब थी, उस वजह से मुझे मजबूरन पढ़ाई छोड़ देना पड़ा। उसके बाद हम 3 GB रैम के फोन से यूट्यूब पर लग गए थे। दो दोस्त लोग पहले वीडियो बनाते थे, दोस्तों लोग 7-8 महीने तक हमने वीडियो बनाया, कुछ अच्छा खासा रिस्पांस देखने को नहीं मिला। उसके बाद हमने एक दूसरा चैनल बना लिया, उस पर मैं वीडियो डालने लगा, उस पर मेरी एक वीडियो वायरल जाने लगी। जब 3 महीने बाद तो मैंने ये बात जो अपने दोस्त को बताया तो वो मेरे को उस चैनल से निकाल दिया ना। तो मैं इस पर 5 महीने तक वीडियो बनाया, हमारे 1,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद 8 महीने तक जब हम अपने इस चैनल पर लगातार वीडियो अपलोड करते रहे हैं, इस चैनल का नाम था MS गेमिंग, जो हमने दूसरा वाला चैनल खोला था। तो 8 महीने तक जब हमने वीडियो अपलोड किया तो हमारा चैनल पर सारा कुछ क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया मोनेटाइजेशन का, 1000 सब्सक्राइबर्स, 4000 घंटे का वॉच टाइम, सब कुछ जब कंप्लीट हो गया तो मैंने उसका वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। अब भाई साहब वो वीडियो मेरी वायरल चली गई, बहुत तगड़ी वायरल गई, मतलब बहुत अच्छा लगा कि मेरी फर्स्ट वीडियो वायरल चली गई यूट्यूब पर, और मतलब यूट्यूब पर पहले ऐसी कोई वीडियो मेरी थी जो कि वायरल गई थी। अब देखिए, मैंने 3-4 महीने बाद एक और वीडियो यूट्यूब पर डाला, गूगल एडसेंस पिन वाला, वो भी वीडियो मेरी वायरल चली गई गेमिंग चैनल पर ही। तो मेरे को यहाँ से अपना कैटेगरी चेंज करने का मन किया, और उस समय हमारे चैनल का नाम हो गया था लगभग 8 महीने के बाद गरीब MS गेमिंग। अब मैंने इस चैनल का नाम चेंज करने का सोचा, क्योंकि अभी हम गेमिंग वीडियो नहीं अपलोड करते थे जब ये हमारा गूगल एडसेंस पिन आ गया था। मैं ब्लॉगिंग करने लगा, हाँ, लेकिन ब्लॉगिंग करने लगा तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स देखने को मिले मेरे को वीडियो में, और काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर के साथ मतलब इंटरव्यू भी हुआ, जैसे मनोज देव, जुन्नू की टेक, और बहुत बड़े यूट्यूबर जैसे जोश टाक, वहाँ पर भी मैं गया और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि मतलब एक होता है ना कि देहात का लड़का दिल्ली का इंटरव्यू देने, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और ये देन है कि हमने अपने उस टैलेंट के अंदर का जो होता है ना काबिलियत, उसको निखारा और लोगों को वो दिखाना शुरू कर दिया। नॉर्मली क्या था कि मैं गेम प्ले वीडियो अपलोड करता था तो मेरे को उसमें रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलते थे, तो मैंने क्या किया, लोगों को वो दिखाने लगा जो वास्तव में वो मेरे अंदर देखना चाहते थे। अब लोगों का प्यार और सपोर्ट इतना मिला कि भाई साहब हमारे चैनल पर 1 मिलियन की यूट्यूब फैमिली कंप्लीट हो चुकी। और दोस्तों सच बताऊं तो मेरे को लगभग 2.5 साल के आसपास, 2.5 साल नहीं,
दो साल चार पांच महीने मेरे को लगे 1,00,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने में, और 1,000,000 मेरे को मात्र 1 महीने से भी कम टाइम लगे कंप्लीट करने में। तो बस ये उसी के देना कि मैंने डेली वीडियो अपलोड किया, खुद को इंप्रूव करता रहा और लोगों को वो दिखाया जो वास्तव में वो मेरे अंदर देखना चाहते हैं। आज उसी की देना कि आज हमारे चैनल पर 1,000,000 की यूट्यूब फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। तो बहुत बताएं कि इतना सारा प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए, और हमें उम्मीद है भैया को भी आप लोग ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा, क्योंकि भैया का चैनल अभी बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में फंसा हुआ है। तो प्लीज़ भाई लोग, आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई को ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि मतलब व्यूज के जो व्यूज नहीं आते, अच्छा व्यूज आने का, देखिए अभी मेन रीजन ये है कि वीडियो वायरल करने का, आपका कहने का कारण हाँ। देखिए भैया का कहना है कि वीडियो को वायरल कैसे करें, तो जरूर बताएंगे क्यों नहीं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग यूट्यूब पर अपना वीडियो वायरल करना चाहते हैं तो इसका मेन रीजन यही है, डेली के डेली वीडियो बनाते रहिए, और ये ना देखिए कि लोग आसपास पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, आपके वीडियो में व्यूज जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, आपके पास क्या है, ट्राइपॉड वगैरह, माइक वगैरह, आईफोन वगैरह, कुछ ये सब मत देखिए। आपके पास नॉर्मली फोन हो, जैसे हमारे फोन तो 3GB RAM 32GB स्टोरेज वाला, उससे मैं डेली वीडियो अपलोड करता रहा, और आज भाई उसी की देन है कि 3GB RAM के फोन से हमने 1,000,000 की यूट्यूब फैमिली कंप्लीट कर लिया है। तो भाई अब बस आप लोग भी ऐसे मेहनत करते रहिए, ये मत देखिए कि कौन कौन क्या कहता है, कौन क्या सोचता है। मैं तो लगभग 1.5 साल अपने घर वालों को बताया भी नहीं था कि हमारा यूट्यूब चैनल है। तो बस ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, और अचानक कोई ना कोई वीडियो वायरल हो ही जाएगा। बस अपने अंदर के टैलेंट को दिखाइए, किसी को देखकर आप मत कीजिए। अगर अपने अंदर के टैलेंट को आप मैच करेगा किसी और को देखकर ना, अगर मैच करेगा कि हाँ लगता है कि मैं ये तो कर लूंगा, तो कर सकते हैं बिल्कुल। आपको लगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो अगर आपको लगे कि हाँ ये और कठिन है, जो कि और कुछ अलग है, एकदम अलग, वो भी कर सकते हैं। बस आप ऐसे ही करते रहिए, डेली डेली करते रहिए, एक दिन में नहीं, एक दिन जरूर वीडियो वायरल होगा। थैंक यू।